हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन का। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और आज है इसकी सिक्स्थ क्लास। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करें स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। बच्चों, अभी तक ये हम पांच मेजर टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991 की हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या था बच्चों हमारा, कि अननेसेसरी कंट्रोल्स और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है। ठीक है, इसके हमने देखा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हट गई थी, परमिशन आ गई थी, आप मनचाही प्राइस कर सकते हो, मनचाही स्केल कर सकते हो, काफी सारी चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या था कि गवर्नमेंट को अपने रोल को कम करना था और प्राइवेट के रोल को आगे बढ़ाना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, डिस इन्वेस्टमेंट किया था। फिर हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि आपको क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के संग इंटीग्रेट करना है। इसके थ्रू क्या हुआ था, आपका दूसरी कंट्री के संग इंटरेक्शन और दूसरी कंट्री के संग इंटरडिपेंडेंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी और हमने ग्लोबल इकोनॉमी बनाने की कोशिश करी थी। क्लियर? ओके, तो ये था बच्चों हमारा एलपीजी लास्ट क्लास का छोटा सा रिवीजन। आज जो बच्चों हम मेजर टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक नंबर 6, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, और 7 टॉपिक मैनेजर रिस्पांस टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट। 6 टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, इसका हमारी बिजनेसेस पर, हमारी इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा था, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और जो 7 टॉपिक है बच्चों वो हमारा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं तो उस हिसाब से किसी मैनेजर को कैसे रिस्पांस करना चाहिए या कैसे रिस्पांस उन्होंने करे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों टॉपिक पर चलते हैं। बच्चों ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है पहला वो है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। स्टार्ट करें। ओके, तो बच्चों जो एलपीजी पॉलिसी आई थी हमारी, प्यारी सी एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इससे काफी ज्यादा असर पड़ा था हमारे बिजनेसेस के ऊपर। तो क्या असर आया था वो देखते हैं। पहला असर क्या पड़ा था, कंपटीशन इंक्रीज हो गया था। तो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। लिबरलाइजेशन आया, रिस्ट्रिक्शन हट गए, आप कोई भी बिजनेस चालू कर सकता, मन चाहे स्केल पे काम कर सकता। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट लोग आ गए, ग्लोबलाइजेशन में बाहर के लोग आ गए थे, तो बताओ कितना कंपटीशन इंक्रीज हो गया होगा। बहुत ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, इस वजह से ये सबसे पहला इंपैक्ट आया। क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट कम कर दी गई थी, बाहर के लोगों को बुला लिया था। Competition for Indian firms had increased. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर में थे और उसके अंदर प्राइवेट भर भर के आ गया था, तो इस वजह से कॉम्पिटिशन तो था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। सेकेंड, कस्टमर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, हर एक सप्लायर एक बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहा था, तो कस्टमर के पास चॉइस आ गई थी कि मैं इसका खरीदूं या उसका खरीदूं। तो ऐसे केस के अंदर कस्टमर की अवेयरनेस इंक्रीज हुई और अवेयरनेस के साथ साथ उसकी डिमांड भी इंक्रीज हुई क्योंकि उसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा थी। ये आपको समझ में आ गया? तो पहला हमने पॉइंट क्या देखा कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, दूसरा कस्टमर की डिमांड हो गई थी। डिमांड कैसे इंक्रीज हुई, इतने ज्यादा प्रोडक्ट हो गए तो कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ गई, दूसरा उसके पास चॉइस आ गई और क्वालिटी अच्छी हो गई। क्लियर? ओके, क्या लिखा हुआ है, कस्टमर टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। अब आपको हर एक चीज के बारे में पता है ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। कंपटीशन की वजह से कस्टमर को वाइडर चॉइस मिल रही है कि वो बढ़िया क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को ले पाए। क्लियर? पहला हमने कौन सा पॉइंट देख लिया, इंक्रीज कॉम्पिटिशन। दूसरा हमने देखा क्या इंपैक्ट पड़ा एलपीजी का, कस्टमर की डिमांड कर गई। तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलना चालू हो चुका है एलपीजी की वजह से। इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, बाहर के लोग आ गए, प्राइवेट लोग आ गए हैं, वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं बिजनेस करने के। पहले ओला उबर नहीं थी, पहले ओएलएक्स नहीं था, पहले हमारे बहुत सारी एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं थी, अब आ गई हैं। तो इस वजह से लोग बिजनेसेस करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नई नई मशीन्स आ रही है, नई नई बिजनेस करने के प्रोसेस आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई नई सर्विस आ रही है,
तो ऐसे केस में हमारे जो छोटे बिजनेस है उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, कैसे वो बिजनेस को एडजस्ट करें। क्लियर? तीन पढ़ लिए, पहला कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, दूसरा कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तीसरा टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट बहुत तेजी से बदलने लग गया। क्या आपको बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। फोर्थ, नेसेसिटी फॉर चेंज, बदलाव की जरूरत आ गई। पहले मार्केट इतनी तेजी से नहीं बदलता था, अब बहुत तेजी से बदलता है मार्केट, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती, कस्टमर का टेस्ट बहुत तेजी से बदलता है, कंपटीशन कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, नए नए प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसे केस में हमको कंटिन्यूसली अपने ऑपरेशंस को, अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी हम चला सकते हैं। तो इस वजह से हमारी जो नेसेसिटी थी चेंज होने की वो बढ़ गई, आपको हर पल अपने आपको बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है। क्लियर? चार हो गए बच्चों पॉइंट, इंक्रीज कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर, टेक्नोलॉजी का मोमेंट तेजी से बदल रहा है, और चौथा हमारा नेसेसिटी फॉर चेंज। क्लियर? ओके। फिफ्थ पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। बच्चों ह्यूमन रिसोर्स मतलब हम जैसे लोग, और डेवलप मतलब, अब पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, तो उस वजह से हमको ट्रेनिंग भी ज्यादा अच्छे से देनी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत सारा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी है, कस्टमर का प्रेफरेंस बहुत तेजी से बदलता है, तो ऐसे केस में अब जरूरत आ गई है कि हम अपने लोगों को ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाए, ज्यादा अच्छे से उनको सिखा पाए कि काम उसको कैसे करना है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ये इंपैक्ट, ये असर पड़ रहा है कि अब हमको लोगों को ट्रेनिंग ज्यादा देनी पड़ती है। क्या लिखा हुआ? इंडियन एंटरप्राइज हैव सफर्ड फॉर लॉन्ग फॉर inadequate ट्रेड पर्सनल। पहले जो हमारे पास पर्सनल थे, जो लोग थे, वो ज्यादा ट्रेन नहीं थे। नई मार्केट कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बचाइए, लोगों के बीच में बहुत कॉम्पिटिशन हो गया, बहुत ज्यादा काबिल लोगों की आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम उनसे करवाना पड़ता है, उनसे कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है कि वो मन लगाकर अपना सारे काम छोड़कर काम कर सके, तो कमिटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये चीज है कि हमको अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? पांच पॉइंट हो गए। सिक्स पॉइंट क्या बच्चों? मार्केट ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या? बड़ा ही सिंपल है मार्केट ओरिएंटेशन। पहले क्या होता था बच्चों, प्रोड्यूसर्स लोग अपना प्रोडक्ट बनाते थे, फिर उसको मार्केट में ले जाके लोगों को चिपकाते थे, सीरियसली चिपकाते थे, पहले प्रोडक्ट बनाया फिर लोगों को चिपकाया। लेकिन अब बाद में क्या होने लग गया, एलपीजी के बाद क्या होने लग गया, अब पहले मार्केट में जाते हैं और देखते हैं लोगों को क्या पसंद है, लोगों की क्या जरूरत है, लोगों को कहां दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर कस्टमर को दिया जाता है। आप आज खुद अपने आप को देख लो, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन से चीज की जरूरत सबसे ज्यादा लोगों को है, खाने की है, एंटरटेनमेंट की है, ट्रेवलिंग की है, किसकी है, इंटरनेट की है। तो सबसे पहले आप ये खुद, आप भी खुद यही देखते हो कि लोगों को क्या चाहिए, हम उनको वो देंगे। तो अब क्या हो गया है, पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन था, अब मार्केट ओरिएंटेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन। क्लियर हो गया? पक्का? रीड करें क्या लिखा हुआ है। अर्लियर फर्म यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर सेल। पहले बनाते थे फिर बेचते थे, मतलब क्या था, पहले वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड थे, पहले प्रोडक्ट बनाएंगे फिर बेचेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब क्या है, पहले फर्म मार्केट में जाती है, एनालाइज करती है, स्टडी करती है कि लोगों को क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्या आपको बच्चों ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? पक्का? मार्केट ओरिएंटेशन। ओके। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया ग्लोबल फर्म्स के साथ प्राइवेट फर्म्स के बाद, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, देखो ऐसा है, बात बात पे हम आपको बचाने नहीं आएंगे, अगर आपको कॉम्पीट करना है, आपको लड़ना है, तो अपने बलबूते पे लड़ना पड़ेगा, हम बात बात पे आपको सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर से, गवर्नमेंट कंपनी से अपने हाथ पीछे कर लिए और उनको बोल दिया कि अब आपको कम्पीट करना है, ग्रो करना है, तो भैया अपने बलबूते पे करो, अपने उस पे करो। जैसे पापा लोग नहीं होते हैं, कब तक तुम्हारा साथ देंगे, अभी तक 15 साल तक, 20 साल तक, उसके बाद तो बोलेंगे बेटा अब तुम अपना खुद संभालो, हमसे नहीं होता तुम्हारे काम। तो वही चीज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कंपनीज के संग किया, पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ किया।
रीड करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा क्या लिखा हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटलेज हैज डिक्लाइंड ओवर द इयर्स। उन्होंने पैसा देना कम कर दिया है, पब्लिक सेक्टर को भी पता लग गया है कि अगर उनको सर्वाइव करना मार्केट के अंदर या ग्रो करना है तो उनको खुद मोर एफिशिएंट होना पड़ेगा, कम खर्चे में काम करना पड़ेगा और अपनी रिसोर्सेज को खुद पैदा करना पड़ेगा, पैसे खुद कमाने पड़ेंगे जिससे वो आगे काम कर पाए। तो ये इम्पैक्ट पड़ा किस चीज का, एलपीजी का। तो बच्चों हमने इसके अंदर 7 पॉइंट डिटेल में पढ़ लिए। पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा कस्टमर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। थर्ड हमने क्या देखा, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। फोर्थ हमने देखा कि हमको अब चेंज की नेसेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर हमने पॉइंट कौन सा देखा कि अब हमको अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज्यादा ट्रेन या डेवलप करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि अब प्रोडक्ट सेट के मार्केट पर चले गए, पहले प्रोडक्ट बनाते थे फिर बेचते थे, अब क्या करते हैं पहले मार्केट जाते हैं, देखते हैं लोगों को क्या जरूरत है, उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे। और लास्ट हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो पैसा देना था वो कम कर दिया और पब्लिक सेक्टर कंपनी को भी पता लग गया कि अगर आप ग्रो करना है या सर्वाइव करना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आपको बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हमने देख लिया इम्पैक्ट किस चीज का, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई थी एलपीजी की, उसका हमारे बिजनेसेस पे या इंडस्ट्रीज पे क्या असर पड़ा था। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब चालू करते हैं बच्चों आज का लास्ट टॉपिक, वो क्या है, मैनेजरियल रिस्पॉन्सेस टू चेंजेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट। कि हमारे जो एनवायरमेंट में जो भी हमारे वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से मैनेजर्स ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिए या क्या क्या रिस्पॉन्स उनको देने चाहिए। ठीक है, यहां पर बात हो रही कौन कौन से दिए। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। अब कंपनीज ने क्या किया है, डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया। पहले वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, उसको बड़ा करती थी, लेकिन अब क्या है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना चालू कर दिया है। जैसे रिलायंस कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में भी है, रिटेल आउटलेट्स में भी है, ठीक है ना, इसके अलावा वो पेट्रोलियम में भी है, आईटी में भी है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टाटा इलेक्ट्रिसिटी, टाटा नमक, टाटा ऑटोमोबाइल्स, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है अलग अलग बिजनेस चालू कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। तो ये है हमारा कि एक के भरोसे रहोगे अगर वो फेल हो गया तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों हमारे सामने, ज्वाइंट वेंचर्स ऑब्लिक कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स। अब क्या हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो कंपनियां, अलग अलग दो कंपनियां मिलकर आके कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, ज्वाइंट का मतलब मिलकर, कि दो अलग अलग कंपनियां वो मिलकर काम करेंगी। या फिर कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल मतलब कि दो कंपनियां हैं अलग अलग, अब वो मिलकर एक नई कंपनी बन गई, कि मतलब मुझको भी प्रॉब्लम आ रही है, तुझको भी प्रॉब्लम आ रही है, चल मिलके कुछ अलग ही काम करते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल का मतलब पता लग गया, ज्वाइंट वेंचर का मतलब पता लग गया। तो आगे चल के या आजकल अगर आप देखो, पहले वोडाफोन था, आइडिया था, अब वो वी बन गया है, ठीक है ना। पहले मारुति की थी, सुजुकी थी, तो मिलकर मारुति सुजुकी हो गया, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ज्वाइंट वेंचर है। ये हीरो होंडा याद है आपको, हीरो होंडा बहुत फेमस, सब तो अलग अलग हो गया, लेकिन पहले था हीरो होंडा, तो क्या था, ज्वाइंट वेंचर। तो लोगों ने, अलग अलग कंपनियों ने मिलकर आके काम करना स्टार्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एनवायरमेंट। उनको लगा कि भैया हमारे पास कुछ चीज की कमी है, उनके पास कुछ चीज की कमी है, हमारे पास कुछ चीज बढ़िया, उनके पास कुछ चीज बढ़िया, तो क्यों ना एक दूसरे की मदद करें और साथ में बिजनेस करें। क्लियर हो गया पॉइंट आपको अच्छे से, ओके। तो मैनी मल्टीनेशनल हैज एंटर्ड इंडिया थ्रू ज्वाइंट वेंचर, जैसे फोर्ड आ गया था महिंद्रा के संग, वोडाफोन और आइडिया मिलकर कंसोलिडेट हो गए। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट क्या आता है बच्चों हमारे सामने, वो है ब्रांड बिल्डिंग। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी कंपनी के ब्रांड को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही हैं, मतलब ये समझ लो कि अपार पैसा खर्च हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बायजूस। बायजूस फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है, बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर कर रहा है, बायजूस आपका आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह बायजूस 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 सुनाई दे, बायजूस यहाँ बायजूस वहां बायजूस कहाँ। तो ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वो अपने गुडविल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको क्लियर हो गया,
ओके क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ इंक्रीज एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन ब्रांड बिल्डिंग्स बाय कंपनीज, गुडविल एंड इमेज, बच्चों इमेज नहीं है, इमेज हैज बिकम इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ कंपनी, जितना ज्यादा लोग जानेंगे उतने ही ज्यादा आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट हमने क्या देख लिया, डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा हमने देख लिया जॉइंट वेंचर, तीसरा हमने देख लिया ब्रांड बिल्डिंग। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से, ओके। फोर्थ बच्चों हमारा पॉइंट क्या आता है रिस्पॉन्स के तौर पर, वो है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए, अगर आपको बाकी कंपनी से आगे रहना है, अपने कंपटीशन से आगे रहना है, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, इसलिए कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। ये आपका रिस्पॉन्स है, हमारे मैनेजर्स का रिस्पॉन्स है, क्योंकि भैया अगर हमको टिकना है मार्केट के अंदर, टिकना है लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना हमने चालू कर दिया, जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना, डिजिटल मीटिंग्स हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ओके। अगला पॉइंट क्या हमारा, फिफ्थ पॉइंट, कस्टमर फोकस। हमारा पहले फोकस था किस पे, प्रोड्यूसर्स पे फोकस था, प्रोड्यूसर क्या करते थे, अपना सामान बनाते थे, बेचते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हर कोई कस्टमर को फोकस कर रहा है, मतलब जहां कस्टमर खुश होंगे वहां कंपनी को चार चांद लग जाएंगे, मतलब ये कि अगर मेरे स्टूडेंट मुझसे खुश है तो मैं अपने आप पैसा कमा लूंगा, आए ना, मान के चलो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, वहां की खुश है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली पैसा कमा लेगी, मुझे अपने आप पे फोकस नहीं करना, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे फोकस करना है। वैसी कंपनीज भी है, कंपनीज को अपने प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना, कंपनी को लोगों पर फोकस करना है, क्योंकि लोगों से ही तो पैसा आना है, तो कस्टमर जितना ज्यादा खुश होगा, कस्टमर जितना सेटिस्फाई होगा, उतना ही ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो लोगों का जो फोकस है प्रोड्यूसर से हटके कहां शिफ्ट हो गया, कस्टमर्स पे शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया आपको जो पॉइंट, ओके। क्या लिखा हुआ है, अटेंशन टू कस्टमर्स नीड एंड सेटिस्फेक्शन हैज इंक्रीज्ड, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैव इंप्रूव्ड, मतलब इस वजह से जो प्रोडक्ट था पहले बेकार प्रोडक्ट भी बिक जाता था, लेकिन अब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उनका जो नेचर है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है, और कस्टमर की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर हो गया बच्चों आपको पॉइंट अच्छे से, ओके। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्लास, दैट इज शार्पली इंप्रूव कॉम्पनसेशन लेवल्स। अब एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, स्पेसिफिकली ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है और वो हर एक को पैसा दे रही है कि आप आइए हमारी कंपनी में काम करिए, हम आपको दबा के पैसा देंगे, तो इस वजह से इंडियन कंपनीज को भी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ाना पड़ गया। इंसेंटिव स्कीम्स, इंसेंटिव स्कीम मतलब बोनस, कमीशन वगैरह, आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, वो सारा सब कुछ बढ़ा गया, तो मतलब वो सारी चीजें कॉमन हो गई हैं। मतलब अब इस समय आप अगर किसी भी कंपनी में जाओगे तो पहले के मुकाबले आपको अब ज्यादा ही पैसा मिलेगा और ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है ना, एज अ एम्प्लॉय। क्लियर, कोई भी डाउट बच्चों इसमें हो तो बताइए फटाफट से, ओके, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हेडमास्टर सक्षम कत्याल, मैं हूँ सक्षम कत्याल आपका प्यारा सा हेडमास्टर, वहां पर जाकर आप उस चैनल को फॉलो कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के और इससे पहले वाले चैप्टर्स के और आने वाले चैप्टर को भी मिल जाएंगे। क्लियर हो रही बात आपको, ओके ओके। तो चलिए बच्चों आज हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिया, हमने देख लिया इम्पैक्ट देख लिया और दूसरा हमने देख लिया मैनेजरियल रिस्पॉन्स। तो बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन और चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।